शिक्षण को प्राप्त किया है और उसका सर्टिफिकेट भी सबका आ गया होगा, नहीं आया होगा तो सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें, उसको कैसे डाउनलोड करें और उसका वेरिफिकेशन कैसे करें, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, उसको जाके आप देख सकते हैं। और आज देखते हैं कि ये तीन और कैसे आए हुए हैं। तो दीक्षा को खोल लेते हैं। दीक्षा खोलने पर हमको इस तरह खुल जाता है। उसके बाद हम इसको कोर्स वाले भाग को क्लिक करते हैं। कोर्स वाले भाग को क्लिक करेंगे तो मेरे कोर्स में ऊपर में ये तीन वो कोर्स हैं जिनको हमने कर लिया है पूरा। अब मेरे राज्य के कोर्स में जाएंगे, जो हमारे राज्य के कोर्स हैं उसमें दिखाई दे रहा है ये तीन वो कोर्स हैं जो हम कर लिए हैं और किनारे ऐसे खिसकाते हैं, तीन वो कोर्स आ गए जिन्हें हम अभी नहीं किए हैं और करना है। कला समेकित शिक्षा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का। कला समेकित शिक्षा को क्लिक करते हैं तो कोर्स में नामांकन कीजिए। नामांकन की अंतिम तारीख 28/11/2020 है और कोर्स की अंतिम तारीख 30/11/2020 लिखा हुआ है। इसमें कला के माध्यम सीखने पर आधारित है। कोर्स में नामांकन कीजिए क्लिक करते हैं तो यह कोर्स का बैच 17 नवंबर से उपलब्ध होगा, क्योंकि हम पहले वाला जो कर रहे हैं वो 15 दिनों के लिए था 2 तारीख से, तो 17 तारीख को ये ओपन होगा। तो यहाँ कोर्स में नामांकन करना है और पूरा करना है। तो ये तीन जो है, कला और समेकित शिक्षा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नामांकन करना है ये भी 17 नवंबर है, और शिक्षण अधिगम मूल्यांकन वाला भी, इसको भी कोर्स में नामांकन पे क्लिक करना है तो 17 तारीख को ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये फिर हमारे यहाँ प्रोफाइल में हम जाएंगे। प्रोफाइल में जैसे हम पहले भी ये कोर्स करते थे जैसे वहाँ कर लेंगे तो यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ से हमको इसको पहले वाले कोर्स के जैसे ही सभी वीडियो को देखते हुए, सभी जितने भी उनके प्रतिलिपि हैं उनको पढ़ते हुए कंप्लीट करना है। रिव्यू मांगते हैं, उस पर हमको स्टार्स देने हैं कि हमको क्या हुआ, उसके अनुसार प्रश्नों को उत्तर देते हुए उसको स्टार्स देते हुए पूरा करना है तो फिर पूर्ण आ जाएगा। फिर वही रिफ्रेश बटन और फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, वेरिफिकेशन करना, ये सब करना रहेगा। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है और कैसे वेरिफिकेशन करना है उसके लिए तो पीछे वीडियो में डाला हुआ हूँ। तो इसको हम 17 तारीख को हमको ध्यान रखना है कि कोर्स में क्लिक करना है और मेरे राज्य के कोर्स को राइट खिसका देंगे। ये तीन मॉड्यूल के 17 तारीख को हमको इसमें शामिल होना है। इसको समय पर शामिल होके और इस प्रशिक्षण को पूरा लेके और इसके प्रश्नोत्तरी को अटेम्प्ट करते हुए पूर्ण करके इसके सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करते हुए शेयर भी अवश्य करें। और किसी और विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दे सकते हैं। आपकी सलाह पूरा सम्मान देते हुए मैं प्रयास करूंगा कि आपके मांग को मैं पूरा करूं और अधिक से अधिक आप सभी शिक्षकों के और जितने भी बच्चे उनके उपयोग के लिए जो भी आवश्यक वीडियो हो उनको बना के आप तक पहुँचाऊँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।